আপনাদের নেতা আদরণীয় রাহুল গান্ধীজি মন্ত্রিমণ্ডলের সাথী ওমকার বর্তমানজি আমাদের কংগ্রেস কে বরিষ্ঠ নেতা ভূতপূর্ব সাংসদ ভূতপূর্ব মন্ত্রী তুষার রায়জি আমাদের বিধায়ক সুন্দরলাল মাহাতোজি বিধায়ক সুনীল সরাফজি বিজয় প্রসাদজি সবিয়া আমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষগণ সবিয়া কংগ্রেস কে নেতাগণ আদরণীয় বুজুর্গ ভাইও বেরো সবসে পহলে মেয়ে আদরণীয় রাহুল গান্ধীজি কো আপনি ওর সে স্বাগত করার চাহতা হুম আপনি আয় ইতনি ভারী সংখ্যা মে আজ আপনি আয় হ্যাঁ আপনি কংগ্রেস কা মান সম্মান বাড়ায়া 110 দিন পহলে লগভগ 110 দিন পহলে 15 साल बाद और मोदी जी के 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी कैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौंपा एक ऐसा प्रदेश जहां पूरे देश में किसानों की आत्महत्या में नंबर वन ऐसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सौंपा या पूरे देश में बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन ऐसा प्रदेश हमें सौंपा या बलात्कार में नंबर वन ऐसा प्रदेश हमें सौंपा या बताइए आप बताइए या भ्रष्टाचार में नंबर वन ये प्रदेश हमें भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा हमारे 110 दिन हुए 110 दिन हुए हैं और काम के 75 दिन क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई आचार संहिता लग गई कांग्रेस की सरकार को और मुझे 75 दिन मिले थे और इन 75 दिनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया हमने वचन दिया था राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लानी है किसानों का कर्जा माफ करना है शपथ लेते हुए 2 घंटे में मैंने आदेश दिए निर्देशित किया कि हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ होगा और हमने शुरुआत करी और मध्य प्रदेश के लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है 40% कर्जा माफ हुआ है और हम वचन बंधे जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होगा जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होता है और जैसे ही आचार संहिता लगती है तो बाकी किसानों का हमारे 45 या 50 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा केवल डिफॉल्टर का नहीं हमने तो कहा है कि जिनका चालू खाता है उनका भी कर्जा हम माफ करेंगे हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होती है जब व्यापार चलता है जब क्रय शक्ति होती है किसानों तो आज एक नए नजरिए से राहुल जी ने आदेश दिया था कि हम एक नए नजरिए से अपने कृषि क्षेत्र की नीतियां बनाए कृषि क्षेत्र में हम एक नए नजरिए से केवल नीति ना बनाए कानून बनाए ताकि फिर से किसानों को कर्जे में ना डूबना पड़ा तो मैं तो आपसे ये वचन देता हूं कि आने आने वाले समय में हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे और सबसे दूसरी बड़ी जो चुनौती है हमारी बेरोजगारों की इतने सारे नौजवान यहाँ हैं आज के नौजवान की दुनिया कुछ है हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ थी नौजवान में आज अपनी सोच है नौजवान में एक तरह से आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है
आज का नौजवान में तरफ कोई ठेके भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, आज के नौजवान वो तरफ है कि उसे व्यवसाय का मौका मिले और उसके हाथों को काम मिले। और इतना बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ हुआ पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में जितने उद्योग मिले गए उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। और मोदी जी का क्या कहे, नौजवानों याद है वो नारे, मोदी जी के नारे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, याद है ना, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, याद कौन है या डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया वाला, कितना मोदी जी ने धोखा दिया हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं तो पूछना चाहता हूँ 10 लोग बता दे जिनको मोदी जी के कारण रोजगार मिला हो। तो आज ये तस्वीर आप लोग के सामने है, किस प्रकार पिछले 5 साल में मोदी जी ने हमारे नौजवानों को ठगा है, हमारे किसानों को ठगा है, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को ठगा है। और क्या नहीं कहते थे मोदी जी, आपको याद है अच्छे दिन आएंगे चिल्लाते फिरते थे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे। आज मोदी जी उस अच्छे दिन आ रहे हैं की बातें करते, आज तो जो जनता है मोदी जी को कह रही है आखिरी दिन आ रहे हैं, ये आज जनता की सरकार है। और कौन सी बात मोदी जी ने नहीं कही, 15 लाख की बात कही, खेतों से खाते खुलवाए, 600 रुपए में करोड़ लोगों ने खाता खुला, 600 के 500 रुपए हो गए, 100 रुपए को बैंक ने काट दिए। आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा कि आप जो 29 तारीख को बटन दबाएंगे, आप कांग्रेस का बटन दबाएंगे, उम्मीदवार का बटन दबाएंगे, पर ये बटन आप अपने भविष्य का दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारे शहडोल लोकसभा के मतदाता अपने हितों की रक्षा करेंगे, भविष्य सुरक्षित रखेंगे, तस्वीर अपने सामने रख के ऐसा करेंगे ताकि फिर से शहडोल लोकसभा का झंडा हमारे देश के संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।